नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो अपरकट। अपरकट में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में अग्नि परीक्षा की। ऑस्ट्रेलिया में अग्नि परीक्षा की अगर बात करें तो वनडे सीरीज 2-1 से हारने के बाद अब लगता है कि, और T20 सीरीज भी 2-1 से जीती है, अब भारतीय टीम ने वापसी करी। अगर हम लोग आज के मैच की बात करें तो लगभग सारे ही बॉलर, जितनों की बात करें, नटराजन को छोड़ दें तो सारे बॉलरों ने 40 के ऊपर रन दिए। नटराजन ने 4 ओवर में 33 रन दिए और 1 विकेट लिया। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत सुधार की जरूरत है। और वहीं बात करें बैटिंग डिपार्टमेंट में तो श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन से एक बड़ी पारी की उम्मीद लगातार फैंस लगाए हुए हैं, मैनेजमेंट लगाए हुए हैं, लेकिन अभी भी वो बल्लों से बड़ी पारी नहीं निकल रही है। कप्तान कोहली ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 80 रन बनाए। और वहीं बात करें कुंफ्यू पांड्या, हार्दिक पांड्या की, तो उन्होंने भी टीम को आखिरी तक ले गए, लेकिन आज वो मैच जिताने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाए और जैम्पा की बॉल पर आउट हो गए। कुछ बड़े शॉट आखिरी में शार्दुल ठाकुर ने लगाए, लेकिन वो मैच में जान फूकी, लेकिन उसके बाद भी 12 रन से भारत मैच हार गया। इन सब पे चर्चा करेंगे, गलतियां कहां कहां हुई। हमारे साथ झारखंड से हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश से हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सबसे पहला सवाल नरेंद्र जी आपसे मैं करूंगा, क्योंकि टेक्निक के मामले में आप काफी ज्यादा प्रख्यात हैं, आपको लोग जानते हैं टेक्निक के मास्टर। आज अगर मैं बात करूं सबसे गलती कहां पे हो रही है, श्रेयस अय्यर से। इतनी अच्छी फॉर्म लेके आए और आज जिस तरह से आउट हुए, कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि उनको मौके दिए जा रहे हैं, उनको, संजू सैमसन को, लेकिन उसको लुभा नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र जी, जो भी दो मैच जो खेले थे इंडिया ने, और ये जो तीसरा मैच था, ये इस मैच में कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा लक्ष्य चेत करना था, तो उसमें कहीं ना कहीं एक शुरुआत हमें अच्छी मिलनी चाहिए। और हम एवरी डे हम कहीं ना कहीं हम हार्दिक पांड्या पर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एक बॉल का गेम है। तो जहां टॉप ऑर्डर में केएल राहुल का फ्लॉप होना और उसके बाद शिखर धवन का आउट होना, कोहली अच्छी फॉर्म में दिखे, पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले, लेकिन जब कोहली इस तरह से आखिरी तक खेल रहे, तो उनको कहीं ना कहीं अपने जो जीरो एरर पे काम करना चाहिए, आखिरी तक खेलना चाहिए, क्योंकि उनके बाद कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था कि मैच जिता सके। तो जहां तक की बात है कि जब हम इस तरह का टारगेट चेज करते हैं, तो एक शीट एंकर का रोल अदा करने वाला एक खिलाड़ी होना चाहिए। जैसे कि T20 में आपने देखा होगा कि मुंबई इंडियंस में कोई ना कोई एक प्लेयर जो है ये आखिरी तक खेलता था, तो क्या होता था कि वो उसकी लैब बराबर उसका जो स्ट्राइक रेट था बढ़ता जाता था, नीचे वालों को एक फ्री लाइसेंस मिलता था, वो मारते थे। यहाँ पे क्या हुआ कि जो आप जिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या आज वो आउट हो गए, अगर ऊपर से अगर हमें रन थोड़े मिलते और एक बंदा अभी तक खेलता, तो मुझे उम्मीद है कि ये लास्ट ओवर मैच ना जाता, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था, बॉल बहुत अच्छा बैट पे आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि T20 में एक ऊपर से जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, उसमें एक बल्लेबाज को आखिरी तक खेलना चाहिए। सुरेश रैना की मैं तारीफ करूंगा, जो भी उन्होंने इंडियन क्रिकेट को कंट्रीब्यूट किया, वो आखिरी तक खेलते थे, तो ये थोड़ी सी कहीं कमी रही आज की जो बैटिंग है। देखो नरेंद्र जी, वो जो छठे और चौथे नंबर की तो दिक्कत आ रही है भारतीय टीम में। मनोज जी आपके पास आऊंगा, श्रेयस अय्यर को आज, संजू सैमसन को, मैं प्री शो देख रहा था, वहां पर कैफ भाई और वीरेंद्र सहवाग दोनों लोग एक ही चीज कह रहे थे, जिस तरह से ये टीम संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर को बैकअप कर रही है, जितना सपोर्ट कर रही है उनको, कहीं ना कहीं अब क्योंकि वनडे सीरीज में करते आए और T20 सीरीज में भी, तो कहीं ना कहीं अब इन दोनों को परफॉर्म करना होगा। लेकिन ये दोनों लगता है कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ नंबरों की दिक्कत है कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, दोनों रन नहीं बना रहे हैं, ये टीम के लिए खतरे की घंटी है। मनोज जी, विशाल जी आपने सही कहा, श्रेयस अय्यर हैं, संजू सैमसन हैं, काफी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और इनसे काफी आशाएं भी हैं, और जितने मौके उनको मिले, आज तो काफी अच्छा मौका था इन दोनों के लिए, जैसे वक्त पर ये बल्लेबाजी करने आए थे, कप्तान आपके सामने खेल रहे थे, अच्छी पारियां खेली उन्होंने, तो ऐसे समय में इन दोनों को परफॉर्म करना चाहिए था। और आप जब लगातार परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप अपने ऊपर और दबाव बनाते जाते हैं, और आपको ये समझना होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप मैचेस खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम के विरोध में खेल रहे हैं, तो वहां के प्लेयर्स इस दबाव को समझते हैं और वो जानते हैं कि कौन से प्लेयर दबाव में बैटिंग करने आ रहे हैं, और इसका वो फायदा उठाते हैं, उनके गेंदबाज और ज्यादा प्रेशर उन पर डालते हैं, कप्तान उन पर प्रेशर डालते हैं, जिससे कि आप जल्दी आउट हो। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दूसरे के साथ इस तरह से चूहे बिल्ली की खेल चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों में प्रतिभा है,
इनको अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनसे बेहतर खिलाड़ी भी बाहर बैठे हुए हैं। सूर्य कुमार यादव को इस सीरीज में नहीं लिया गया है, काफी बेहतरीन प्रदर्शन वो करते आ रहे हैं लगातार, और भी खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए खतरे की घंटी जरूर है। भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि T20 के मैचेस को अगर आप देखें, दो मैचेस भारत ने जीते, आज का मैच को अगर आप थोड़े ध्यान से देखेंगे तो जब आप 185-190 रन को चेज करते हैं तो वैसे में आपके पास सिर्फ किसी एक बल्लेबाज के खेलने से आप पूरे मैच को नहीं जीत सकते। आपके ओपनर राहुल जल्दी आउट हो गए, हालांकि वो अच्छे फॉर्म में थे, अगर राहुल थोड़ा लंबा खेलते तो आप बेहतर होते इस मैच को जीतने की स्थिति में। साथ ही साथ विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी जरूर की लेकिन उनका जो एवरेज अगर स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियंस का वेड का आप देख लीजिए, मैक्सवेल का आप देख लीजिए, 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहता है। लेकिन हमारे इस मैच में भी अगर आप देखें, बल्लेबाज रन जरूर किए लेकिन स्ट्राइक रेट उनका 150 के ऊपर किसी का नहीं गया। तो ये भी कारण रहता है कि आप कहीं ना कहीं 10-12 रन शॉर्ट पड़ जाते हैं मैच में जीतने से T20 में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सभी खामियां हैं जिनको कहीं ना कहीं इनको ठीक करना पड़ेगा। एक तो अच्छी बात है कि T20 का सीरीज हमने 2-1 से जीता है, अब टेस्ट सीरीज हमारे सामने है और मुझे लगता है कि इनको कमर कसना पड़ेगा। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज की बात करें, आप लोग दोनों लोग हमारे साथ हैं, आप टेस्ट सीरीज की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज वाला मैच तो जो होना था हो गया। विराट कोहली की 85 रनों की पारी अगर मैं बात करूं वो काम नहीं आई, और वो 85 रन अगर देखें तो 185 में 85 रन 187 इंडिया को चेस कर रहे हैं, 85 आपका कप्तान बना रहा है, बाकी 102 रन अगर आपके 7 या 8 विकेट ना बना पाए तो ये चिंता का विषय तो होता ही है जब वहाँ पे शिखर धवन हो, केएल राहुल हो, हार्दिक पांड्या ऐसे बल्लेबाज हो। तो कहने टेस्ट सीरीज की बात कर ले, अभी जो हाल ही में हो रहे थे T20 के साथ सीरीज के साथ स्टार्ट हुए थे आपके प्रैक्टिस मैच, वहाँ पर पृथ्वी शॉ एक नया ओपनिंग पेयर के साथ उतरे, पृथ्वी शॉ और गिल को ओपन कराया गया, दोनों दूसरे ओवर में आउट हो गए। एक बल्ले शुभमन गिल पहले ओवर में, पृथ्वी शॉ दूसरे ओवर में। 300 से कम रन पे हम लोग की टीम डिक्लेयर की जाती है, बॉलिंग हालांकि थोड़ी अच्छी होती है, उन्हें हम लोग और 79 रन की ऑस्ट्रेलिया में लीड देती है। उसके बाद भी हम लोग बात करें अगर और इंडिया टीम की बैटिंग की अगर हम लोग, तो वहां पे कोई बैट्समैन नहीं चला सिवाय पुजारा और अजिंक्य रहाणे को अगर हटा दे। आपने सही कहा विशाल जी, देखिए प्रैक्टिस मैच जो ऑस्ट्रेलिया में है ये तो हमारे टेस्ट टीम के जो भी प्लेयर्स हैं उनको एडजस्ट करने में के लिए खेला जा रहा है मैच, उनको टाइम लगेगा। बल्लेबाजों को जितने जल्दी वो अपने को एडजस्ट कर लें ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में उतना बेहतर है। जहां तक कि पृथ्वी शॉ की आपने बात की, तो पृथ्वी शॉ IPL में भी आपने अगर देखा होगा तो काफी निराशाजनक उनका परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो टीम में जरूर पिक किए गए। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए मौके हैं, प्रैक्टिस मैचेस में वो जमकर वापसी करें और अच्छा खेलें, क्षमताएं हैं उनके अंदर में। जहां तक कि पुजारा की बात करें और आप अजिंक्य रहाणे की, तो अजिंक्य रहाणे और पुजारा ने बार बार प्रूफ किया है कि ये दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी तकनीक है इनके पास। लंबे मैचेस जो होते हैं, टेस्ट मैच जो होते हैं उसमें लंबे समय तक खेल पाने की क्षमता है इसमें, और यही कारण है कि उनके एक्सपीरियंस ने काम दिया और प्रैक्टिस मैच में उन्होंने रन भी बनाया है। उम्मीद है कि ये अच्छे बल्लेबाजी करें, टेस्ट में भी इसको कन्वर्ट कर पाएं अपने परफॉर्मेंस को। साथ ही साथ गेंदबाजों को भी हमें देखना पड़ेगा, और इस T20 में एक तो सकारात्मक ये निकल के आया है कि नटराजन एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हम लोगों को मिले, जो कि लगातार यॉर्कर्स बहुत अच्छा फेंक सकते हैं, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो पॉजिटिव्स तो जरूर हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, एक बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने अपने को स्थापित किया है गेंदबाजी नहीं करते हुए भी, तो ये भी एक बड़ा सकारात्मक पहलू है। तो इन सभी पहलुओं, लेकिन वो टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं, तो अब ये देखना है कि टेस्ट मैच में ऑलराउंडर की भूमिका में कौन रहेंगे और किस तरह से हमारा टेस्ट मैच आगे जाएगा, लेकिन प्लेयर्स को जल्दी सेटल होने की जरूरत है। बिल्कुल नरेंद्र, आपके पास आऊंगा। अभी तक अगर मैं बात करूं पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल, ऐसे तमाम सिराज की मैं बात करूं, या नए कमर्स और भी जो है हमारे न्यू कमर्स जितने भी आए हैं टीम में, शुभमन गिल इंडिया की बात अलग है, ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाना एक वही बहुत बड़ा सपना होता है, वो साकार हो गया इन युवाओं का। लेकिन जिस तरह से बैटिंग हो रही है पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल की, शुभमन गिल एक अच्छी फॉर्म से IPL से आए, उसके बाद पृथ्वी शॉ लगातार फ्लॉप होते आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टूर में, इतने बड़े टूर में पहला मैच हम लोग का एडिलेड ओवल में खेला जाना है जहां वो डे नाइट टेस्ट मैच होना है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना होगा जब गुलाबी गेंद के सामने पृथ्वी शॉ या शुभमन गिल में से कोई एक ओपन करेगा शिखर धवन के साथ। नरेंद्र बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको जो पीछे एक दो कंटेंट रह गए थे मैं उस पर थोड़ा डिस्कस करूंगा। जहां तक आप टेक्निक की बात कर रहे थे हमसे, संजू सैमसंग और श्रेयस अय्यर के बारे में जैसे थोड़ा सा हम लोगों ने बात करी थी, ये क्यों फ्लॉप हो रहा है, उसका एक थोड़ा सा रीजन ये है कि जिस तरह रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं और आपके
विराट कोहली बैटिंग करते हैं, अगर आप देखो तो ये जो 4 फीट का जो क्रीज होता है वो प्रॉपर यूज करते हैं दोनों खिलाड़ी, मतलब इस तरह से विकेट भी अच्छा खेलते हैं सामने भी अच्छा खेलते हैं। लेकिन ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं कि जैसे जैसे आईपीएल इंप्रूव किया था तो बॉल ऑन द अप ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, ये लोग क्या है कि लॉन्ग लीवर यूज करके आगे खेलते थे और वो हैबिट ही ज्यादा इनके हो गई कि इस वाले जो मैचेस में भी संजू सैमसन बजाय अपना बैक पीछे ना जाके, कहते हैं ना रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा मिलता है अगर हम यूज करें तो स्टार ऑफ द विकेट हम खेल सकते हैं पुल मार सकते, ये क्या कर रहे हैं कि ज्यादातर अपना जो रीच है आगे बॉल को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे ये फंस रहे हैं। तो यही पे कहते हैं कि अच्छे खिलाड़ी की निशानी ये होती है कि अपनी कंडीशंस अडॉप्ट करें उस स्थितियों को, जैसे मनोज जी ने बोला कि स्थितियों को अब जल्दी अडॉप्ट करेंगे और वहां परफॉर्मेंस होगी, दो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आएगी। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि ये दो खिलाड़ी जो फ्लॉप हुए हैं शुभमन गिल और आपके पृथ्वी शाह, ये उसी फैशन में क्रिकेट खेलने वाले हैं जो व्हाइट बॉल वाला कल्चर चल रहा था। अभी ये टेस्ट मैच में जहां ये 3 डे का गेम खेल रहे थे वहां पे रेड बॉल है, वहां बॉल बनता है वो स्पिन करता है, लेटरल मूवमेंट होता है, बॉल पड़ने के बाद डिविएशन होता है, वहां पे बैट टेकने पे नहीं हो रहा, वहां पे हैंग नहीं करना बैट, आपको क्लोज टू द बॉडी खेलना है, वेट करना है, लेट खेलना है। तो इनको ये जो आउट हुए हैं हमारे लिए बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा इस गेम के मास्टर खिलाड़ी हैं टेस्ट के, और उन्होंने परफॉर्म किया, कॉन्ट्रीब्यूट किया और इन दो खिलाड़ियों को सीखना चाहिए। और जहां शेष अय्यर को और सैमसन को कहीं ना कहीं अपनी टेक्निक में इस तरह से बदलाव करना चाहिए। एक चीज और, एक कंटेंट रह गया था सूर्य कुमार यादव, मैं अभी आपके चैनल के साथ जुड़ा था, एक और चैनल के साथ मैं हमने काम किया, तो सूर्य कुमार यादव को मैं अगर रेट करूंगा इस आईपीएल का सबसे बेस्ट खिलाड़ी मुझे लगा, क्योंकि उसकी टेक्निक में इतनी चपलता है, उसके फुटवर्क, उसका पैर इतना अच्छा चलता है, पता नहीं सेलेक्टर्स का क्या वो देखते हैं कि इस खिलाड़ी के अंदर क्या कमी रही। मुझे याद है कि बॉम्बे के खिलाड़ी थे प्रवीण आमरे, फ्लाइट बॉल मिलती थे स्ट्राउट करके बॉल को नीचे खेलते थे और पीछे जाके कट खेलना, ऑन द अप अच्छा खेलना, तो ये हर तरफ इस खिलाड़ी ने रन बनाए। और जिस तरह से ये दो खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा चांस मिला, पृथ्वी शाह जैसे अभी मनोज जी ने बोला कि काफी चांस मिला, तो मुझे ऐसे में एक वेकअप कॉल होना चाहिए इन खिलाड़ियों के लिए भी कि जो बैट में और बेंच स्ट्रेंथ पे खिलाड़ी इंडिया में रह गए हैं या वहां पे हैं उनको रोटेट करना चाहिए, कैरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के लिए मेरा एक हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, मेरे ख्याल से बात कोई नहीं करता है बोलता है, लेकिन बींग है हम लोग बहुत जिस बैकग्राउंड से आए, बड़ी मेहनत करी क्रिकेट के लिए और अपनी जगह खुद बनाई है, तो मैं सूर्य कुमार को अब भी बैक कर रहा हूँ कि भले वो हिंदुस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन उनको होना चाहिए। क्या कहते हैं मनोज जी, आप इस मेरी बात से सहमत हैं? नहीं जरूर, मैं आपकी बात से जरूर सहमत हूँ, क्योंकि आईपीएल खत्म होने के बाद भी जब इंडिया की टीम पिकअप की गई थी वनडे के लिए, इवेंट T20 के लिए, तो उस समय भी ये आश्चर्य लगा था कि सूर्य कुमार यादव को नहीं लिया गया, क्योंकि जब आप आईपीएल को आधार बनाकर किसी एक प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं तो उसी आईपीएल के आधार पर किसी दूसरे प्लेयर को आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज तो जरूर है, आपने जो बातें कही ये बात पहले भी निकल कर आई है। तो यार्डस्टिक जो है सभी के लिए बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आईपीएल में अच्छा किया तो आप मुझे ले लिए लेकिन दूसरे ने अगर आईपीएल में अच्छा किया तो उसे नहीं लिया, तो ये यार्डस्टिक कहीं समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, ये तो ये सूर्य कुमार यादव के लिए तो सबने कहा, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड के एक पूर्व खिलाड़ी ने यह भी कह दिया कि आप न्यूजीलैंड से खेल लीजिए, आप इतना अच्छा खेलते हैं, आपको कोई भी देश खिला सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवालों के घेरे में रहती है हमेशा से बीसीसीआई, अगर कुछ जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के टूर होते हैं तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को डर लगता है कि टीम बनाएंगे और हमारे साथ कुछ विवाद जुड़ जाएगा, वो चाहे रोहित शर्मा का टूर्नामेंट से बाहर होना हो और उसके बाद उनका फाइनल खेलना हो और ऑस्ट्रेलिया टूर में उनका नहीं जुड़ना हो। विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि शर्मा क्यों नहीं जुड़े, और उसके बाद इस तरह से उनको 13 तारीख को उनका यो-यो टेस्ट का रिजल्ट आना है, अगर वो फिट हुए तो वो ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 2 टेस्टों में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले नरेंद्र, मैंने आपसे सवाल किया था कि प्रैक्टिस मैच हुआ है रेड बॉल से और आपका मैच है पिंक बॉल से, तो कहीं ना कहीं जो वहां पर पृथ्वी शॉ को जो टाइम मिला या शुभमन गिल को टाइम मिला या जो बॉलर्स को टाइम मिला है वो थोड़ा मैच अलग होगा पूरी तरह से, क्योंकि पिंक बॉल से अधिकतर जो टीम हमारे साथ गई है इसने ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से क्रिकेट ने इंप्रूव किया है, जिस तरह से बॉलिंग मशीन आई है, हमारे जमाने में हम डिस्टेंस कम करके प्रैक्टिस करते थे और बॉल्स को कहते हैं गीला करके, जींस की बॉल को उसका जो ऊपर का कवर होता था उसको हटा के वो कंडीशन जैसी बनाते थे, लेकिन आज इतनी आधुनिक सुविधाएं हैं, अलग अलग विकेट पेस और सीमेंट आप पॉलिटर वगैरह की इस तरह की प्रैक्टिस, साथ साथ कैमरे लगते हैं और आपके जो
ट्रेनर्स हैं और आपके क्या कहते हैं कि स्पेशलाइज जैसे आपके बैट्समैन या ओपनर्स देखने वाले जो है आपके जो आपकी टीम स्टाफ है वो अलग है। कहीं ना कहीं ये जो दो प्लेयर जिनसे हम काफी उम्मीद कर रहे हैं और यंगस्टर हैं, इन्होंने जो गलतियां करी हैं, जो अभी जो टाइम मिला है, जिस तरह आईपीएल में भी कुछ पारियां खराब हुई थी, कुछ खिलाड़ी कमबैक कर गए, कहीं ना कहीं सपोर्ट स्टाफ ने उनको वो दिखाया वहां पे क्या एरर है कि आपको बैकशिप कम रखनी है या ज्यादा रखनी है, हेड आपका जो है गिर रहा है और आपका बैलेंस ऑफ बैलेंस नहीं हो रहा, बॉडी वेट आपका पीछे रहता है या आगे, आप कहीं ना कहीं ब्रेकिंग ऑफ एनर्जिया होता है कि आपका मूवमेंट जैसे ही रिलीज पॉइंट पे आप क्या मूवमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बच्चों के, दोनों खिलाड़ियों के, यंगस्टर्स के एक टाइम मिला है और इसमें कोपो कर सकते हैं क्योंकि दोनों खिलाड़ी इतना परफॉर्म करके आ रहे हैं डोमेस्टिक में और इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यही खिलाड़ी हैं जो आगे चल के बनेंगे, तैयार होंगे। हाँ, सूर्य कुमार यादव के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहेगा। मैं अभी भी ये कहता हूं कि जब कोई इस तरह से खिलाड़ी को टफ फेज और विषम स्थितियों में अपनी परफॉर्मेंस कर के ऊपर आना पड़ता है वो लंबा खेलता है। टीम में होना भी चाहिए। अभी आगामी मैं बात करूं, श्रीलंका दौरा है, उसके बाद जिम्बाब्वे टूर है, हो सकता है कि अगले दौरों में उनको रखा जाए। मनोज जी आपके पास आऊंगा, जिस तरह से हमारा मिडिल ऑर्डर सरवाइव कर रहा है, टेस्ट की बात करूं, टेस्ट में अपने आप को समय देना होगा विकेट्स पे, एडिलेड, गाबा, पर्थ, इन मैदानों पे मैचेस होने हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, तो वहां पर आपको अपने आप को वक्त देना होगा और जितना आप ग्राउंड पे समय बिताएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। लेकिन इस पूरी टीम को अगर हम लोग देखें तो कोई भी ऐसा प्लेयर वनडे टी ट्वेंटी की मैं बात करूं, किसी ने अपने आप को टाइम देना जरूरी नहीं समझा और सब ऐसे आते पहली गेंद से एग्रेसिव नजर आए, तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा संघर्ष होगा भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का सामना करने में। जी हाँ, देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक तो चीज होती है कि ऑस्ट्रेलिया के पिच में जो उछाल होता है वो भारतीय पिचों के जैसा नहीं होता, और खास करके आईपीएल में भी अभी हमारे बल्लेबाज खेले हैं, सभी सभी फिट हैं, मैच फिट तो जरूर हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में भी जो उन्होंने मैचेस खेले हैं वहां भी विकेट जो है और ऑस्ट्रेलिया का जो विकेट है एकदम टोटली डिफरेंट होता है। तो पहले बात तो आपको मानसिक तौर पर तैयार होना पड़ेगा कि किस तरह की पिच पर आप बैटिंग करने जा रहे हैं और आपको क्या, आपके तकनीक में क्या बदलाव लाने होंगे, तो इसके लिए हमारे बैट्समैन को प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम वहां पर पिंक बॉल में भी टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, पिंक बॉल जो है काफी स्विंग करती है, भारत में हमने देखा है कलकत्ता में बांग्लादेश के साथ में जो पिंक बॉल पे टेस्ट मैच हुआ था तो क्या स्थिति हुई थी, तो ये सभी चीज कंसीडर करने वाली बात है। और ऑस्ट्रेलिया में जब पिंक बॉल से टेस्ट मैच होगा तो ये देखने लायक होगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है, पिंक बॉल से किस तरह से बॉल मूव करती है, इसका अंजाम क्या होता है और भविष्य में क्या पिंक बॉल से और ज्यादा टेस्ट क्रिकेट होंगे या नहीं होंगे। और भारतीय बल्लेबाजों को क्योंकि लंबा टेस्ट सीरीज होने जा रहा है तो इस टेस्ट सीरीज में खास करके बैट्समैन को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने हमेशा से देखा है हमारे गेंदबाज अच्छा परफॉर्म करते आए हैं पहले भी, लेकिन जब भी ऑस्ट्रेलिया को हमने कड़ी टक्कर दी है, इसके पहले सौरभ गांगुली की कप्तानी में पहली दफे हम लोगों ने उनको चैलेंज किया था और आप देखेंगे कि हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। एक तरह ओपनर को एक तरफ से टिकना पड़ेगा, लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, बॉल को थोड़ा पुराना करना पड़ेगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आप रन बना सकते हैं। तो दारोमदार जो है वो भारतीय ओपनर्स के ऊपर होगा, बीच में विकेट कीपर में रद्दीमान साहा भी हैं हमारे पास, इस प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने अर्धशतक लगाया है, अच्छे अच्छे फॉर्म में है, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम अच्छी है बशर्ते कि वो एप्लीकेशन अपना प्रॉपर रखें, तो मुझे लगता है कि सीरीज में हमारे लिए सकारात्मक रिजल्ट आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत आसान नहीं होगा भारत के साथ, क्योंकि भारतीय गेंदबाज अब वैसे नहीं है जैसे कि पहले भारतीय गेंदबाज हुआ करते थे और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन इजीली ऑस्ट्रेलियन पिच पे रन बना पाते थे। तो भारतीय टीम अच्छी है, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हमारे प्लेयर T20 और वनडे के मोड से बाहर निकलें, टेस्ट के मोड में आए और ऑस्ट्रेलियन पिच के हिसाब से अडॉप्ट करके बैटिंग करें, बॉलिंग करें। बिल्कुल, बॉलिंग करें और बैटिंग करें, टेक्निक की आपने बात करें उन सब पे हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ नरेंद्र भी है, बिल्कुल उनसे बात करेंगे टेक्निक के लिए। लेकिन अगर आपको बात बताएं कि आज जो 12 रन से T20 मैच हार गई है, T20 सीरीज 2-1 से जीत गई है भारत, लेकिन अब बारी है टेस्ट की, T20 वनडे की बात खत्म, अब टेस्ट की बारी है, 17 तारीख को पहला एडिलेड में टेस्ट होना है। फिलहाल यहां वक्त है छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर खराब हैं, करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल।
GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो अपरकट पे. अपरकट पे हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज यादव ने बताया कि जिस तरह से आप वहां पर जाके ऑस्ट्रेलिया आपको अपनी टेक्निक में बदलाव लाना, उस पर हम चर्चा करते हैं. हमारे साथ नरेंद्र सिंह जुड़े हैं. नरेंद्र जी, टेक्निक में बदलाव लाना होगा, T20 मोड से हट के अब टेस्ट मोड पे आना होगा. टेक्निक में क्या कुछ बदलाव लाएंगे कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज को सामना कर पाएंगे? काफी बाउंस मिलने वाला है इस बार ऑस्ट्रेलिया में. देखिए, T20 से अगर हम टेस्ट क्रिकेट में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये बहुत डिफरेंट बॉल गेम है. एक तो सबसे बड़ी चीज कि वाइड बॉल जो है एक बैट्समैन का बॉल है, इसमें बहुत ज्यादा डिविएशन नहीं होता. 2-3 ओवर की बॉल हिलता है, वो प्लेयर कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है. विकेटें भी बहुत हार्ड सर्फेस होती है और एक कहीं ना कहीं बैटिंग पैराडाइज विकेटें भी बनाई जाती है. लेकिन जहां तक की टेस्ट क्रिकेट बात होती है, जिसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर लेवल होता है विकेट में, कंडीशन होती है और सबसे बड़ी बात ये रेड बॉल और पिंक बॉल है, जिससे कि बॉलर के पास काफी कुछ होता है. बॉल अपने पास चाइन करके उसको कहीं ना कहीं एक तरह से रब करते रहना और जिससे कि वो बॉल एक अच्छी तरह से बन जाता है. जैसे कहते हैं कि जो बर्नौली इफेक्ट और मैग्नस इफेक्ट होता है, जो हवा की जो लेयर्स होती हैं, हर समय हवा की लेयर अलग अलग कंडीशन में हैवी विंड होती है, कुछ क्रॉस विंड करती है. तो इस तरह से कहीं ना कहीं बॉलर बैट्समैन को ये समझना होता है कि ये मूवमेंट बॉल का किस तरह से हो रहा है. और सबसे जो मेन बात है बल्लेबाज को ये समझना चाहिए कि इसमें आपको सेशन होते हैं कि पहला रिंग होता है, फिर लंच होता है, लंच के बाद फिर एक सेशन होता है. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा. दोनों लोग का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग सीधा आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं. किसानों की सारी बातें मानेगी, किसानों की सारी मांगे मानेगी, MSP पे कानून बनाएगी ताकि हमारे किसानों को अब और ज्यादा दिन कड़कती ठंड में ना बैठना पड़े. आप सब लोगों से भी यही निवेदन है कि जब तक किसान बैठे हैं, जिस देश का किसान और जिस देश का जवान दुखी है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता. जब तक हमारे देश का किसान दुखी